भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। तेंदुआ तेज रफ्तार आयसर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक गाय और चार राहगीरों को लिया वाहन ने अपनी चपेट में। आयसर वाहन के नीचे दबे चारों लोगों की मौत। तेंदुआ शहर में गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने तेज रफ्तार आयसर वाहन ने गाय को टक्कर मारते हुए मोटरसाइकिल सवार और पैदल जा रहे राहगीरों के ऊपर पलट गयी। हादसे में चार लोग आयसर के नीचे दब गए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद हाइड्रा वाहन के माध्यम से मिनी ट्रक को उठाकर गाड़ी के नीचे शव को निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शी शाकिब के अनुसार वह सेंधवा के नए बस स्टैंड की ओर से आ रहे थे। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार आयसर उन्हें ओवरटेक करके गई। आयसर ने हाई स्कूल के सामने गाय को टक्कर मारते हुए मोटरसाइकिल सवार और राहगीरों पर जा गिरी। तभी चार लोग वाहन के नीचे दबे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयसर महाराष्ट्र के शहादा से मिर्ची भरकर लुधियाना जा रही थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और शवों को निकालने का काम किया। फिलहाल पुलिस द्वारा चारों शवों को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है और मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद से मिनी ट्रक के चालक परिचालक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाकिब शेख। शाकिब जी, क्या हादसा हुआ यहाँ पर? मैं देर रात काम से लौट रहा था, मेरे आगे एक आयसर वाहन ने मुझे ओवरटेक करा और तेज गति से आते हुए वो गाड़ी गाय को टक्कर मारकर पलटी खा गई, जिसमें दो लोग बाइक से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल जा रहे थे। वो गाड़ी पलटी खा गई। हाँ, फिर क्या हुआ? गाड़ी पलटी खाने के कारण वो लोग दब गए गाड़ी के नीचे। कितने लोग थे? वो चार लोग। हाँ, कैसे निकाला गया उन्हें? उन्हें हाइड्रा की मदद से गाड़ी को उठाकर उनको निकाला गया नीचे। हाँ, कौन लोग थे? कुछ पहचान हो पाई? नहीं, अभी नहीं हो पाई। वो मजदूर पैसे के वर्ग के लोग थे, वो काम से लौटे अपने घर जा रहे थे। सर, घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ? कितने लोगों की मौत हुई? चार लोगों की मौत हुई है। आयसर मिर्ची वाली आयसर गाड़ी थी, उसने गाय को टक्कर मारी और आगे गाड़ी पलटी हुई थी। जब हमने जाके देखा तो गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। हमको जैसे सूचना मिली, हमने क्रेन बुला के गाड़ी हटाई तो उसके नीचे चार डेड बॉडी मिली। साली कला के एक ही परिवार के रहने वाले मजदूर थे, मजदूर वर्ग के लोग थे। ये साइन मोटरसाइकिल थी और चार लोग थे दबे हुए नीचे। उसमें एक का नाम था बबलू, दो बाप बेटे थे रिंगनिया और जितेन, और एक श्यामलाल, ये एक ही परिवार के चार लोग थे। दुर्घटना के बाद पीएम? घटना के बाद उनको हमने रात में ही यहाँ गाड़ी में अस्पताल में शिफ्ट करा दिया था और अभी उसके पीएम करवा रहे हैं। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।